बच्चों तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर वन पॉलिटेक्निक चैनल रीश्वा एकेडमी पर और इंडिया के नंबर वन पॉलिटेक्निक चैनल की तरफ से पाइथन की क्लासेस में। हम सभी लोग आज एक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम आपका इटरेटिव स्टेटमेंट है। बट कल के आपके एक टॉपिक में एक जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें एक टॉपिक आपका था जो कि आपका नेस्टेड था, तो नेस्टेड को हम लोग ना चलो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं कि नेस्टेड जो है वो आपका कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे नेस्टेड आपका नेस्टेड का मतलब क्या होता है हम लोग इसको देख लेते हैं, देन हम लोग फटाफट से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मेरा फेवरेट है इटरेटिव स्टेटमेंट जिसे हम लूप कहते हैं वो कैसे काम करता है हम लोग उसको आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो फटाफट से जो है सबसे पहले आप लोग सभी लोग जल्दी 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 सेशन से जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सके। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को रीश्वा पर जो भी वीडियोस एंड पीडीएफ दिए जा रहे हैं उसमें आप लोगों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। पहली चीज देखिए क्या है कि आपको जो भी वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपने उसको एक बार जिस भी लिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर लिया करें, क्योंकि आपको कोडिंग पढ़ने में ये जो आपके नोट्स हैं, ये जो आपके वीडियोस हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कोड आपका रातों रात नहीं आता, कोई भी लैंग्वेज आपको रातों रात नहीं आ जाती, आपको उसको समझना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो टाइम देने के लिए, समझने के लिए आपको उसमें थोड़ा सा वक्त लगाना पड़ेगा और उस वक्त को लगाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। और वो क्या करना है बच्चा, वो ये करना है कि आपको उस चीजों को थोड़ा प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, बाकी मेरी चीजें हैं, मैंने बोला पाइथन बहुत ही आसान लैंग्वेज है। इसको बनाया किसने था, तो ग्विडो वैन रॉसम ने 1991 में बनाया था। और आप यकीन मानिए वो आपके कोई इसमें मतलब बहुत प्रोफेशनल नहीं थे, वो आपका कुछ और चीजों को लेकर के काम कर रहे थे जिसमें उन्होंने मजाक में ही मतलब कह लीजिए कि उन्होंने इसको बना करके रख दिया। समझ आया? ठीक, जैसे कैसे कि मान लीजिए देखिए मजाक में कहने का मतलब ये नहीं था, हंसते खेलते थे रात में उठे हा 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 किया और उन्होंने बना दिया, ऐसा नहीं था। जैसे कि वो सब होते थे बेटा आपके किसी कॉलेज के, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होती है, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के वो आपके प्रोफेसर हुआ करते थे या स्टूडेंट हुआ करते थे। तो उन लोगों को ना जब भी बेटा कोई प्रोजेक्ट मिलता था ना, तो वो लोग उस प्रोजेक्ट पे अपना ना थोड़ा सा वो लोग उसको प्रैक्टिकली थोड़ा उसको और इनोवेटिव बनाने के ऊपर वो लोग काम करते थे। ठीक, उस चीज को इनोवेटिव बनाने में वो कितनी मजेदार चीज बना देते थे उन्हें पता ही नहीं होता था। जैसे एटीएम आपका जब बना था तो वो इसी तरीके से बना था, वहां के स्टूडेंट्स को आपका एक प्रोजेक्ट मिला था करने के लिए। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट को बनाने में उन्होंने एक इतना माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट बना दिया, इतना अच्छा आपका प्रोजेक्ट बना दिया कि वो आज के टाइम पे सबके लिए कितने काम में आ रहा है। समझ आया? इन्हें सिर्फ और सिर्फ ये आपके कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे, इन्हें रिसर्च करने को दिया जाता था। जब ये रिसर्च कर रहे होते थे, रिसर्च करने में ये लोग सारी की सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपके बना करके, मतलब रिसर्च में इन्हें कई सारी ऐसी मजेदार चीज मिल जाती थी कि जिससे वो उन चीजों को इंटरेस्टिंग बनाते थे। तो उसी तरीके से कि ऐसा कोई बहुत आपका हार्ड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस देने का जरूरत है बच्चा लोग। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पर अपना आते हैं, समझते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफ else law। ठीक है, हम लोग if else block का थोड़ा सा explanation देखते हैं। देखिए जैसे क्या है कि मान लीजिए कि मैंने ना मतलब मुझे एक ऐसा आपका प्रोग्राम लिखना है। ठीक, जिसमें मैं क्या करूं कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखूं जिसमें आपका कंपाइलर जानते हो ना, जो आपका ट्रांसलेटर होता है कंप्यूटर का, अगर उसमें कोई कोड कंडीशन को मैच नहीं कर रहा, या फिर कह लीजिए कि उसमें जो आपका दिया गया मतलब आपका बहुत ही लंबा कोड है, बहुत ही लंबा, और मैं चाहता हूं कि मैं इसमें कुछ ऐसा कर दूं ना, ठीक, कि वो डायरेक्टली जो है कि उसी ही ब्लॉक पर आकर के अटके। जैसे कि एग्जाम्पल,
अगर आपको बेटा 40 माले की बिल्डिंग चढ़नी है, ठीक है, 40 माले की अगर आपको बिल्डिंग चढ़नी है, अब आपको ना जब अब आप सोचोगे कि अरे यार 40 माले की बिल्डिंग चढ़नी है, मान लो आपका इतना बड़ा कोड है, ठीक है ना, कोई इतना बड़ा आपका कोड है, ये तो चलो भी छोटा ही मैं बता रही हूँ, एक ही पेज का कोई कोड है, अब कंपाइलर आपका एक एक लाइन को रीड कर रहा है, एक एक लाइन को, ठीक है, एक एक लाइन को वो ऐसे 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 रीड कर रहा है, तो मान लो आपको सबसे नीचे का अगर बस 4 लाइन अगर आपको रन कराना है, तो ये एक एक लाइन जब तक रीड करेगा तब तक तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना आपका, बहुत ही ज्यादा। तो क्यों ना हो कि आगे की आपकी 2 लाइन पढ़े और आपकी आगे की 2 लाइन पढ़ने के बाद डायरेक्टली आपका जो कंट्रोल है वो यहाँ आ जाए, ठीक, डायरेक्टली जो है आपका कंट्रोल यहाँ आ जाए और वो इस 2 लाइन के बाद ये वाले कोड को या ये वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा दे, ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं है? तो इसी उपाय से, तो इसी चीज से बचने के लिए हम एक उपाय खोज कर लाते हैं, और उस उपाय का आपके नाम क्या होता है, आपका उस उपाय का नाम आपका कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट, जहां पे आप कंडीशन के, अगर आपने कंडीशन दिया तो अगर आपकी कंडीशन दी गई ये वाली सही है, ठीक है, तो अगर आपकी ये वाली कंडीशन दी गई सही है, ठीक, तो वो आपकी अगले लाइन पे आएगा, और नहीं तो अगर गलत है तो वो डायरेक्टली दूसरे वाले ब्लॉक ऑफ कोड पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब एक चीज मैं आपको ये बताऊं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मान लो अगर आपको 40 माले की बिल्डिंग चढ़नी है, तो अब बेचारा सोचेगा कि हे भगवान, मेरा तो ऑफिस 40वें माले पर है और मुझे 1 2 3 4 5 6 पूरा का पूरा, मेरे को 6 7, मतलब भगवान जब मेरा ऑफिस 40 माले पर है, और मान लीजिए कि आपकी जो पंचिंग मशीन होती है, ठीक है, आपकी जो पंचिंग मशीन होती है, या फिर अगर आपका काम जो है वो दूसरे वाले फ्लोर पर है, ठीक है, यानी कि आपका काम फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर है, बाकी की जो आपके बाकी के फ्लोर है उस पे आपका कोई काम नहीं है, ठीक है, उस पे आपका कोई काम नहीं है, उस पे आपके बाकी लोगों का काम है, जो आपके लोग मतलब साथ ऑफिस में काम करते हैं उनका काम है। अब आप ये सोचोगे कि हे भगवान, मेरा तो जो काम है वो मेरा बिल्डिंग के 40वें माले पर है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 माले का और काम था, मतलब मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 2 माले का और काम था, बाकी की ये जो मैं इतने 38 माले चढ़ूंगा ये तो मैं फर्जी चढ़ूंगा प्रभु। इसके लिए आप गुहार लगाते हो, आपकी भगवान गुहार सुन लेते हैं और लिफ्ट का इन्वेंशन हो जाता है, यानी लिफ्ट का आविष्कार हो जाता है। तब लिफ्ट क्या करेगी कि अगर आपको सीढ़ी नहीं चढ़ना तो वो डायरेक्टली वो स्किप कर देगा। आपने क्या किया, आप लिफ्ट में घुसे, आपने डायरेक्टली 40 नंबर पे क्या किया, प्रेस कर दिया, ठीक है, 40 नंबर पे वो लिफ्ट आपके डायरेक्टली कहाँ जाएगी, 40वाले माले पे जाएगी। आपको क्यों, धन्य हो प्रभु, बहुत अच्छी अच्छी बात है कि आपने मेरा सुन लिया और मुझे डायरेक्टली उठा करके 40वें माले पर पहुंचा दिया, आप तो बड़े खुश हो जाओगे। वही काम यहाँ पे करता है, देखो जैसे ही वो लिफ्ट में घुसा, ठीक है, वो लिफ्ट में घुसा तो ये चीज है कि वो आपका जा रहा है बिल्कुल, लेकिन वो आपके जो माले हैं वो आपके स्किप हो रहे हैं, वो जो आपके माले हैं वो आपके स्किप हो रहे हैं, आप डायरेक्टली 40 माले पे जो है विदिन 5 या 10 सेकंड में पहुंच जाओगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, चलो 5 10 नहीं तो मान लो 2 मिनट में आप पहुंच जाओगे। वहीं आपको 40 माले की बिल्डिंग चढ़ने में कुछ नहीं, कम से कम 15 20 मिनट टाइम लगता, बचा टाइम, बचा कि नहीं बचा। वैसे ही यहां पर है आपका कि आपके कंडीशन लगा देने से अगर आपको बीच के कोड का काम नहीं है तो आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है वो डायरेक्टली चला जाता है जिस कंडीशन या जिस ब्लॉक को आपको रन कराना है उस पर चला जाता है, ठीक है, ये होता है आपका इसका काम। अब आप कहोगे कि मैम जब काम नहीं है तो लिखे क्यों है? अरे भैया ऐसा नहीं है कि उसका काम नहीं पड़ेगा, मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया ना कि अगर आपके 40वें माले पे अगर आपकी बिल्डिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाकी 38 के माले वेस्ट है, वो बाकी 38 के माले दूसरे लोगों के लिए तो काम के हैं, है कि नहीं है, तो फिर उनके लिए तो वो काम करेगा, आपके लिए तो ऐसा नहीं होगा कि बस 40 माले की बिल्डिंग है तो बस वो उसमें आप ही जा रहे हो, बाकी के भी जो लोग हैं ऑफिस के, मैंने बताया ना कि अब बाकी के लोगों के ऑफिस का काम उन सारे बिल्डिंग में पड़ता है लेकिन आपका काम सिर्फ पहले दूसरे और 40वें माले पे पड़ता है। तो आप तो यही सोचोगे ना कि प्रभु कुछ ऐसा कर दो कि भाई मुझे इन सारे बिल्डिंग से पाला ना पड़े, मुझे इतनी सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े। तो उसी चीज से बचने के लिए आपकी ये चीज आई थी। तो यहाँ मान लीजिए अब अगर हम यहाँ प्रोग्राम कोड की बात करें तो अगर आपका यहाँ पे दिया गया कंडीशन सही होगा तो हमारा जो प्रोग्राम का कर्सर है वो आपके इन सारे लाइन पर आएगा, गलत है तो वो डायरेक्टली आपके इधर वाले पर आ जाएगा, ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, बस मुझे को समझाने का आपको यही मतलब था कि
आपका जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो आपका काम करता कैसे है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इफ वाले उस पे चलना है, ठीक है, हमें इफ वाले उस पे चलना है। इफ वाला भी जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, वो आपका इसी तरीके से काम करता है। जैसे कि क्या है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे अपना एज क्या किया, इनपुट किया, ठीक है ना, इनपुट योर एज, ठीक, इनपुट योर एज, ठीक है, आपने अपना जो एज है उसको आपने इनपुट किया, ठीक। अगर आपने जब अपने एज को इनपुट किया, ठीक है, जब आप अपनी एज को इनपुट कर रहे हो, आपने देखा कि मेरे एज को इनपुट करते ही मैं अपने एज को इनपुट किया, ठीक है, अगर मैंने अपनी एज को इनपुट किया और आपकी एज क्या है, मान लीजिए माई एज, आपने अपना एज नाम का एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, अगर जो आपकी एज है अगर वो आपकी 18 है, ठीक है, अगर आपकी एज जो है वो अगर आपकी 18 साल की है, ठीक है, थोड़ा हम इसको बड़ा लिख देते हैं, चलिए, ताकि आपको दिखे, समझ में आए, ठीक है, अगर आपकी एज जो है वो अगर आपकी 18 साल की है, ठीक, एज 18, ठीक है, एज इक्वल टू 18, अगर आपकी एज 18 है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपकी 18 तो आप तो वोट दे सकते हो, लेकिन हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम 18 साल के कम वाले ही है या फिर उससे भी कम वाले लोगों के लिए चीजें लिख सके। तो अगर आपकी एज मान लीजिए 18 है, ठीक है, इफ योर एज इज ग्रेटर देन, देखो तीन बार वो कर चुकी हो, लेकिन यही चीज है, मेरे से एक बार में ना ये सब चीजें सही बनती ही नहीं है, इसीलिए लीजिए भैया, आइए आप ही आइए, चलो कोई नहीं भाई, हम ही बना लेते हैं, ठीक। अगर आपकी जो एज है वो आपकी 18 से बड़ी है, ठीक, तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, ट्रू का मतलब मालूम है ना, अगर आपकी कंडीशन सही होती है, ट्रू होती है, इसका मतलब क्या होगा, आपका मैसेज प्रिंट होगा क्या, यू कैन वोट, ठीक है, यू कैन वोट। अगर आपकी कंडीशन यहां पर गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो वो डायरेक्टली दूसरे वाले पे जंप कर जाएगा, ठीक है, दूसरे वाले पे वो जंप कर जाएगा, और वो आपका कौन सा होगा, दूसरे वाले पे जंप करने का, कि अगर आपकी एज 18 नहीं हुई, ठीक है, अगर आपकी एज 18 ना हो करके आपकी जो एज है वो आपकी 13, ठीक है, अगर आपकी एज इतनी दी है तो क्या मतलब, अगर आपका ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, ट्रू हुआ तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, बाकी किसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट करेगा, वरना ये फिर किसी को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली इस पे आ जाएगा, अगर ये भी फॉल्स हो गया आपका तो फिर ये दूसरे पर आ जाएगा, ठीक है, फिर दूसरे पे आपका आ जाएगा, ये आपका डायमंड बॉक्स कहा जाता है फ्लो चार्ट का, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डायमंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक। यदि जो आपकी एज है वो आपकी ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, तो आपका कुछ और मैसेज प्रिंट होगा, और वो क्या होगा, आइए देख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैसेज प्रिंट होकर क्या आएगा, यू आर टीनेजर, यू आर टीन एजर, ठीक है, ओके। अगर आपका ये वाला फॉल्स हो जाता, अगर ट्रू हुआ तो, ठीक है, ये भी अगर आपका ट्रू हुआ तो, एक काम करती हूँ पहले बना लेती हूँ, बनाने में ना बताने में ना बना ही पा रही हूँ ना समझा ही पा रही हूँ, यू आर किड, ठीक है, यू आर किड और यू आर चाइल्ड जो भी है, ठीक है, इसके अलावा और क्या है आपका, एक और चीज, अगर आपकी जो एज है ये भी अगर आपका फॉल्स कर गया, और यदि अगर आपकी जो एज है वो आपकी ग्रेटर देन
एज जो है अगर वो आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, ठीक, इसका मतलब क्या होगा, आपका एक मैसेज डिस्प्ले करेगा यू आर प्राइमरी स्टूडेंट, प्राइमरी स्टूडेंट, ठीक है, यू आर प्राइमरी स्टूडेंट, ठीक, ये आपका मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ये कब के लिए है, ये तब के लिए है जब आपकी सारी की सारी चीजें जो है वो फॉल्स होती जाएंगी तब। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये अगर ट्रू हुआ तो ये आएगा, ये ट्रू हुआ तो ये आएगा, ये ट्रू हुआ तो ये आएगा, ठीक है, फॉल्स होने पर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं आपका क्या लिख रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर आपका यहीं से एग्जिट कर जाएगा। देखिए क्या है, कहने का मतलब, बोलने का मतलब ये है कि अगर आपका ये वाला कंडीशन सही हुआ, अगर आपकी ये वाले कंडीशन सही है तो आपका ये वाला मैसेज डिस्प्ले करेगा और वो बाहर आ जाएगा आपके कंडीशनल स्टेटमेंट से, ठीक। अगर आपका ये वाला, यहाँ पे आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्या रेस्ट ऑफ स्क्रिप्ट, क्या लिख सकते हो आप, रेस्ट ऑफ स्क्रिप्ट, इसका मतलब ये है कि आपके जो रेस्ट ऑफ स्क्रिप्ट होंगे अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो बाकी दूसरों पे जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपका जो कंडीशन सही होगा बेटा, ठीक है, ये उसी को क्या करेगा आपका बेटा, प्रिंट कराता चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपके ये वाली कंडीशन सही हुई तो ये वाला मैसेज आपका प्रिंट होगा, फिर वो क्या करेगा आपके रेस्ट ऑफ कंडीशन को डिक्लाइन कर देगा, ठीक, समझ आया। अगर आपका ये वाला कंडीशन सही होगा, ठीक है, यानी कि फिर से समझिए, देखिए आपने अपनी एज एंटर की यहां करके आपका कंडीशन चेक हुआ, आपका अगर एज जो है अगर वो आपका 18 या 18 से ज्यादा है, ठीक, तो क्या होगा, आप वोट कर सकते हो। अगर ये सही हुआ तो, यानी ट्रू हुआ तो आप वोट कर सकते हो और आप अपने इफ वाले स्टेटमेंट से क्या बाहर आ जाओगे। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली जो कंट्रोल कर्सर है यानी जो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल है वो आपके दूसरे वाले कंडीशन पे आ जाएगा, ठीक है, दूसरे वाले कंडीशन पे आ जाएगा, वहां आपका क्या लिखा रहेगा, वो दूसरे वाले कंडीशन को मैच कराएगा। अगर वो आपका दूसरा वाला कंडीशन, अगर आपका दूसरा वाला कंडीशन सही होता है तो वो उसको प्रिंट करा के फिर वो बाहर आ जाएगा, नहीं होता है, फॉल्स हो जाता है तो वो आपके तीसरे वाले कंडीशन को चेक करेगा। यानी कि जैसे जैसे आपके प्रोग्राम का कंडीशन फॉल्स होता जाएगा ये अपने प्रोग्राम का कंट्रोल जंप कराता जाएगा, ठीक है, दूसरे आपके प्रोग्राम पे, ठीक, समझ गए, ये दूसरे वाले प्रोग्राम पे क्या करेगा बेटा, आपकी चीजों को जंप कराता जाएगा, ठीक, जिस हिसाब से इसको कंडीशन फॉल्स मिलती जाएगी, अगर ट्रू मिलेगी तो ये उसी को वहीं पर प्रिंट करा के छोड़ देगा, ठीक है, अगर इसको ट्रू मिल गई तो ये उसको वहीं पे प्रिंट करा करके छोड़ देगा, लेकिन अगर उसको बेटा कंडीशन फॉल्स मिल गई तो एकदम सिंपल सी चीज है, अगर उसको कंडीशन फॉल्स मिल गई, ठीक, तो वो क्या करेगा, वो जंप कराता जाएगा, मतलब दूसरे कंडीशन पे वो आता जाएगा, कंट्रोल फिर दूसरे पे आता जाएगा, फिर दूसरे पे, तब तक जब तक उसको सही, तब तक वो जंप करेगा जब तक उसको सही कंडीशन नहीं मिल जाती। और अगर आपको उसको एक भी कंडीशन सही नहीं मिलती वो कोई आउटपुट ही नहीं देगा, वो डायरेक्टली आपका बाहर आ जाएगा। देखो यही आपका है कि आपने यहाँ पे एज दिया, ट्रू हुआ तो आपका ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ, बाकी आपके जो रेस्ट ऑफ मैसेज है वो डिक्लाइन होगा, यानी कि उनको रिफ्यूज कर देगा वो प्रिंट करने से, क्योंकि उसको सही आउटपुट मिल गया है, उसका कंडीशन मैच हुआ उस हिसाब से उसको सही आउटपुट मिल चुका है, तो वो बाकी कंडीशन पे जाएगा ही नहीं। और अगर उसको कंडीशन फॉल्स मिल गई तो वो आपके बाकी कंडीशन पर गया, ठीक है, बाकी कंडीशन पर जाएगा, उसको चेक करेगा, और अगर वो आपका वो भी फॉल्स निकल गया तो वो तीसरे कंडीशन पे जाएगा, ठीक है बेटा, वो किस पे जाएगा, वो आपके तीसरे कंडीशन पर जाएगा, ओके, ठीक है, समझ गए ना, वो कहाँ जाएगा बेटा, वो आपके तीसरे कंडीशन पर जाएगा, ठीक। और अगर उसको दूसरे वाले कंडीशन में सब चीजें सही मिल जाती हैं, ठीक है, अगर उसको दूसरे वाले कंडीशन में आपका आउटपुट मिल जाता है तो वो बाकी इन दो को पे नहीं जाएगा, वो इन दो को डिक्लाइन कर देगा, समझने कहने का मतलब समझ रहे हो, कि अगर उसको पहले बार में कंडीशन सही मिल गई तो वो बाकी इन तीन पर जाएगा ही नहीं, छोड़ देगा, डिक्लाइन कर देगा उसको। अगर उसको दूसरे वाले में कंडीशन सही मिल गई और उसको आउटपुट मिल गया प्रिंट कराने के लिए,
वो उसको प्रिंट करा के बाकी दो को छोड़ देगा, ठीक है। और अगर उसको तीसरे तक भी कंडीशन सही नहीं मिला तो वो आपका तब तक कंडीशन चेक करता रहेगा जब तक उसको सही कंडीशन और सही आउटपुट नहीं मिल जाता। ये काम होता है आपका नेस्टेड इफ का, या फिर कह लीजिए कि आपके कंडीशनल स्टेटमेंट का, ठीक है ना, समझ गए। चलो अभी हम यहाँ पे और चीजों को देखते हैं कि ये आपका क्या करता है, कि ये आपका तब तक सारी चीजों को कंप्लीट कराता रहता है, तब तक ये आपका चलता रहता है जब तक उसको सही आउटपुट ना मिल जाए। ओके, ये चीज है। चलो हम लोग इसके बारे में और भी चीजें देखेंगे, बट पहले अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि आपके यहाँ पे कई तरीके के इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स ये सब होते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड इफ में क्या होता है आपका, इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी मांगेगा। इसमें आपके मोर देन वन इफ यानी मोर देन वन कंडीशन वाले आपके स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है। मोर देन वन वाले कंडीशन आते हैं, मोर देन वन आपको इसमें कंडीशन देखने को मिलेगा, वो भी किस फॉर्म में, इफ के फॉर्म में, इफ दिस इफ दिस इफ दिस। अगर आपको लगातार दो से ज्यादा इफ देखने को मिल गया मतलब वो आपका नेस्टेड इफ है। छोड़ो दो से ज्यादा, छोड़ो अगर आपको एक से भी ज्यादा इफ देखने को मिल गया तो वो आपका नेस्टेड इफ है, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, इटरेटिव स्टेटमेंट पे, ठीक है। ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि इसमें ना जब हम लोग लूप पे काम करते हैं, ठीक है ना, लूप पे तो बहुत मजा आता है। इटरेटिव स्टेटमेंट का मतलब समझते हो, इटरेटिव का मतलब होता है रिपीटेशन। इटरेटिव का क्या मतलब होता है बच्चा, इटरेटिव का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी कि ये आपके जो प्रोग्राम है, ठीक है। इटरेटिव स्टेटमेंट इन पाइथन जो होता है, ये आपके ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली तब तक ये आपका रिपीट करता रहेगा एक ही चीज को जब तक कि उसका जो सर्टेन कंडीशन है वो आपका फुलफिल ना हो जाए, ठीक है। पहली चीज देखिए, इटरेटिव का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन होता है, ठीक है। मैं यहां लिख दे रही हूं, इटरेटिव, इटरेट या इटरेटिव मीन्स, इटरेटिव मीन्स क्या होता है, इटरेटिव मीन्स इज रिपीटेशन, ठीक है ना, रिपीटेशन। किसी चीज का बेटा क्या होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इटरेटिव या इटरेट बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपको अलाउ करता है किसी एलिमेंट को, किसी लिस्ट को, या किसी सर्टेन कोड ऑफ ब्लॉक को बार 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 रिपीट करने का। अच्छा सोचिए, अगर मुझे लिखना है, ठीक है, देखिए मैं आपको ना यहाँ पे चीजें समझा रही हूँ कि सोचिए यदि, ठीक है ना, कंसीडर इफ वी हैव टू, कंसीडर इफ वी वॉन्ट टू, वी वॉन्ट टू प्रिंट 10 नंबर्स, ओके, 10 नंबर्स, सो वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट प्रिंट, वी हैव टू राइट प्रिंट 10 टाइम्स, ठीक है, प्रिंट 10 टाइम्स टू डिस्प्ले 10 नंबर्स, ठीक है, टू डिस्प्ले 10 नंबर्स, ओके, 10 नंबर्स, ठीक। और अगर आपको इसका एक कोई उपाय बता दिया जाए जिससे कि आप इसको क्या कर सको कि आपको वो 10 बार आपको प्रिंट ना लिखना पड़े, मान लीजिए कि आपको एक ही चीज को 10 बार लिखना पड़े, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी के लिए आपका इटरेटिव स्टेटमेंट लाया गया है, ठीक है। और हमें मालूम है, ठीक है, वी हैव टू राइट प्रिंट, ठीक है ना, प्रिंट फंक्शन 10 टाइम्स, ठीक है ना, वी हैव टू राइट प्रिंट फंक्शन 10 टाइम्स टू डिस्प्ले 10 नंबर्स, ठीक है, 10 टाइम्स लिखना होगा आपके 10 नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए, क्लियर। और देखिए क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा कि एंड वी नो दैट आवर कंप्यूटर हैज अ लिमिटेड मेमोरी, सो इफ वी राइट 10 टाइम्स इट विल कंज्यूम 10 टाइम्स मेमोरी। यानी कि अगर सोचिए, अगर आपके कंप्यूटर में अगर आपने 10 बार प्रिंट लिखा है तो बेटा वो 10 बार जगह भी तो कवर करेगा,
10 बार जगह भी तो कवर करेगा, और आपके कंप्यूटर में इतना स्टोरेज तो होता नहीं है, इतना थोड़ी है। आपके कंप्यूटर में किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए एक आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी दी जाती है। आप उतने लंबे लंबे कोड, और सोचो जितना लंबा कोड उतना ज्यादा उसको डिबग करने में प्रॉब्लम होगा, उतना ज्यादा उसको समझने में दिक्कत होगा। 10 बार प्रिंट लिखो, 10 बार आपकी इसी टाइम को सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट लाते हैं, ठीक है। So to save our time, we use iterative statement to avoid write 10 times same thing, ठीक है ना? So to avoid write same code 10 times, we use iterative statement as it saves our time, ठीक है। ये आपके टाइम को क्या करता है बेटा, सेव करता है, बचाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इटरेटिव स्टेटमेंट जो होते हैं वो पाइथन में यूज होते हैं टू एग्जीक्यूट अ कोड ऑफ ब्लॉक रिपीटेडली, ठीक है ना। बिकॉज इटरेटिव स्टेटमेंट्स इन पाइथन, are used to execute block of code, repeatedly, ठीक है ना, repeatedly और again and again, ठीक है। ये आपका तब तक सारे चीजों को प्रिंट कराता रहेगा, लिखता रहेगा, जब तक कि आपकी मतलब मान लो अगर आपको 10 बार किसी चीज को प्रिंट कराना है तो आप क्या करोगे, आप वहां पे कंडीशन 10 दे दोगे। अगर आपने 10 कंडीशन दे तो जैसे ही वो आपका 10 बार चीजों को प्रिंट करा लेगा, वो आपका क्या करेगा, वो आपका लूप से बाहर आ जाएगा। लूप का मतलब ही होता है आपके किसी चीज को बार 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 रिपीट करना, ठीक है। समझ आया? यहाँ पे आपका क्या होता है कि ये आपको क्या करता है कि जो इटरेटिव स्टेटमेंट है ये अलाउ करता है आपको किसी स्पेसिफिक लाइन या स्पेसिफिक आपके ब्लॉक ऑफ कोड को नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि बार 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 एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। इट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट block of code specific number of time by giving a certain condition, ठीक है, specific number of time or iterate until a certain कंडीशन इज मेट, ठीक है ना। और इटरेट का मतलब क्या हो गया आपका, रिपीट, ठीक है, रिपीट अंटिल सर्टेन कंडीशन, अंटिल सर्टेन कंडीशन इज मेट। जब तक आपकी जो दी गई सर्टेन कंडीशन है वो आपकी फुलफिल नहीं हो जाती या मीट नहीं कर जाती, तब तक ये उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। ये चीज होता है आपका, ठीक है, मेट और फुलफिल। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मेट और फुलफिल। जब तक आपकी सर्टेन कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो जाती तब तक ये आपके उस चीज को बार बार लिखता रहता है, ठीक है। सिंपल सा मतलब है कि पाइथन में इटरेटिव स्टेटमेंट बार बार किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को
बार बार रन कराने के लिए होता है, ठीक है। इटरेटिव स्टेटमेंट बार बार किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को तब तक एग्जीक्यूट या रन कराता है जब तक दी गई कंडीशन खत्म ना हो जाए। जैसे कि अगर जब तक आपकी दी गई कंडीशन ना मिल जाए, मतलब तब तक ये उसको प्रिंट कराता रहेगा। जैसे कि मान लो कि अगर मुझे कोई 10 डिजिट का नंबर वो प्रिंट कराना है, मान लीजिए, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे करके बता रही हूँ कि मान लीजिए टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, लेट्स टेक एन एग्जांपल यूजिंग व्हाइल लूप टू प्रिंट 5 नंबर्स, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक। क्या होता है, मान लीजिए कि अगर आपको नॉर्मली, ठीक है ना, एक आपका नॉर्मल कोड है, अगर आपको मान लीजिए प्रिंट कराना है, ठीक है, एक आपका यहाँ पे नॉर्मल कोड है और एक यहाँ पे आपका इटरेटिव स्टेटमेंट कोड है, ठीक है, दोनों में देखना, फर्क देखना, ठीक है। इटरेटिव स्टेटमेंट कोड, मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है कोई 10 नंबर या 5 ही नंबर, आप बार बार लिखोगे यहाँ पे क्या, प्रिंट 1, प्रिंट 2, ठीक है, प्रिंट 3, फिर प्रिंट 4, फिर प्रिंट 5, फिर प्रिंट 6, फिर प्रिंट 7। ये क्या कर रहा है, आपको बार बार एक ही चीज को रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है। और इससे बचने के लिए हमने क्या किया, इससे बचने के लिए हमने एक दूसरा कोड यहां पर जो है कि ले लिया। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, आपकी 0 है, ठीक है। आई नाम की वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू क्या, मान लीजिए 0, मान लीजिए 1 है, ठीक है, 1 से हम ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके इटरेटिव स्टेटमेंट में फॉर लूप और व्हाइल लूप सबसे ज्यादा फेमस है और आपका जो डू व्हाइल है उसको इतना कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए चीजों को कैसे देख करके समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आई इक्वल टू आपकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिया क्या 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन देंगे व्हाइल, ठीक, आई इज लेस देन और ग्रेटर देन, कहाँ 7 तक हमने प्रिंट करा ना 7, ठीक है। यहाँ क्या होगा आपका प्रिंट आई, ओके, प्रिंट आई एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, आप इसको आई प्लस प्लस कहो या फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कहो, ठीक है। आई प्लस प्लस का मतलब ये होता है बेटा कि आपका जो दिया, आप आई प्लस प्लस का मतलब कि आई में एक वैल्यू प्लस हो जाएगी। देखो मैंने कहा ना आप दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो, ठीक है, ये आपका नॉर्मल कोड है। तो देखो आपको 10 बार, अगर आपको 100 बार अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप 100 बार प्रिंट लिखोगे, अगर आपको 100 नंबर प्रिंट कराना है तो नहीं। हमें क्या करना होगा, उससे बचने के लिए हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट यानी लूप का यूज करते हैं, ठीक है, उससे बस बचने के लिए। तो यहां ध्यान देना, आई इक्वल टू 1 दिया है, तो देखो अब क्या है कंडीशन, देखो आपका दिया है ना आई इक्वल टू 1, तो देखो व्हाइल यानी हमने, ये आपका लूप है, इसका नाम है, मतलब ये आपका कीवर्ड है, ठीक है, इससे कुछ नहीं करना, बस अंदर की कंडीशन देखनी है। तो देखो कंडीशन मैंने ये दी है कि जो आपका आई है यानी जो आपका 1 है वो आपका 7 से क्या है, छोटा है या उसके बराबर है। तो बराबर तो नहीं लेकिन छोटा है ना, छोटा है, ठीक, तो आपका
कंडीशन क्या है? सही है, ठीक है, आपका कंडीशन क्या है? सही है, आपका जो वन है वो आपका सेवन से छोटा है, तो आपका अगर कंडीशन सही है तो ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। मैंने बोला ना कंडीशन सही है तो उसके नेक्स्ट लाइन के अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। बोला है प्रिंट आई, तो प्रिंट आई बोला है तो आई की वैल्यू क्या है? आपकी वन है ना, वन को यहाँ पर ये क्या करा देगा बेटा? प्रिंट करा देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा और बोला है क्या, अब आई प्लस प्लस, यानी आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि आई में यानी वन में एक और वन प्लस कर दोगे। आई की वैल्यू क्या है? वन है ना, तो वन में क्या कर दोगे? एक वन प्लस कर दोगे। तो एक वन प्लस कर दोगे तो अब आपके आई की वैल्यू कितनी हो गई? टू हो गई, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? टू हो गई। तो अब फिर से मैच कराओ, क्या जो आपका टू है वो आपके सात से छोटा है? जी हाँ छोटा है। फिर अगले वाले उस पे आएगा, अगले वाले लाइन पे क्या बोला है? प्रिंट आई। फिर बोला है प्रिंट आई, प्रिंट आई, आई की वैल्यू कितने है हमारी? टू है। ध्यान देना क्या करेगा, यहाँ पर आपका टू को प्रिंट करा देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, अब क्या बोला है? आई प्लस प्लस, यानी फिर अब आई में आई की वैल्यू कितनी है आपकी? दो है, उसमें कितना होगा? एक आपका प्लस होगा। आई प्लस प्लस का मतलब कि आई में एक आप प्लस करते जाओगे, तो क्या हो जाएगा अब आपका यहाँ पे कि आई में आपने क्या किया? वन प्लस करोगे, कितना हो जाएगा आपका? थ्री। यानी अब आपके आई की वैल्यू कितनी है? थ्री है। यहाँ फिर मैच कराओ, क्या जो आपका थ्री है वो आपका सेवन से छोटा है? जी हाँ, आपका जो आई है वो आपका सेवन से छोटा है, ठीक है। तो आपका आई जो है वो जब आपका सेवन से छोटा है, कंडीशन सही है, नेक्स्ट लाइन में आएगा प्रिंट आई, प्रिंट की आई की वैल्यू कितनी है आपकी? थ्री है, आई को प्रिंट करा देगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर बोला है आई प्लस प्लस, ठीक है। तो फिर आपका आई प्लस प्लस होगा, यानी अब आपका थ्री में वन प्लस होगा, ठीक है। थ्री में अगर आपका वन प्लस होगा कितना हो जाएगा? फोर। तो फोर जो है वो आपका सेवन से छोटा है, जी हाँ छोटा है। प्रिंट आई, यानी फिर आपके आई को प्रिंट कराना है, ठीक। फिर आपका आई प्लस प्लस होगा, अब आपका फिर अगर आई में वन प्लस होगा तो यानी अब आपके आई की वैल्यू कितनी हो गई? फाइव हो गई। फाइव जो है वो आपका सेवन से छोटा है, जी हाँ बिल्कुल आपका फाइव जो है वो आपका सेवन से छोटा है। तो प्रिंट आई करने को बोला, यानी आपके आई को प्रिंट कराने को बोला है। फिर से आपका जो आई है वो आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर बोला है आई प्लस प्लस, यानी कि फिर से आपको इसमें क्या करना है? आई में वन को प्लस करना है, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है, ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ रफ, ठीक है। आई में हम लोग क्या करेंगे? वन को प्लस करेंगे। आई की वैल्यू कितनी थी? फाइव थी। फाइव में वन प्लस किया कितना हो गया? सिक्स, ठीक है। तो सिक्स जो है वो आपका सेवन से बड़ा है, सॉरी जो आपका सिक्स है वो आपका सेवन से छोटा है, सेवन से छोटा है या उसके इक्वल है, ठीक है। तो जी हाँ, जो आपका सिक्स है वो आपका सेवन से छोटा है। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, फिर से क्या होगा आपका? सिक्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर अब आपके आई की वैल्यू बढ़ी, आई की वैल्यू सिक्स थी, उसमें अगर आपका वन प्लस होगा कितना हो जाएगा? सेवन हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका सेवन है ये आपका सेवन से छोटा तो नहीं लेकिन सेवन के बराबर है ना। तो फिर आएगा नेक्स्ट लाइन में और यहाँ क्या करेगा? सेवन को प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, आई प्लस प्लस करेगा, अब आपका सेवन में वन प्लस हुआ कितना हो गया आपका? एट, ठीक है। एट जो है वो क्या आपका सेवन से छोटा है या उसके बराबर है? एट जो है क्या वो आपका सात से छोटा या उसके बराबर है? नहीं है। तो जब नहीं है तो अब ये आपका लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा? ये आपका लूप से बाहर आ जाएगा और ये आपका कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा, ठीक है। ये क्या करेगा? ये आपका कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा, बस। ये काम होता है आपका, देखिए, लूप का। तो मेरे बताने का क्या मतलब था? बताने का ये मतलब था कि आप इसी तरीके से देखिए, अब लूप जो है हम 10 बार लिखते उससे अच्छा है, जैसे हम नॉर्मल कोड को कितने 10 बार लिखते उससे अच्छा हमने क्या किया? देखिए, ये तीन चार लाइन में लूप ने उसका काम कर दिया। अगर आपको 100 नंबर भी प्रिंट कराना है तो 100 नंबर भी आपका इतने ही चार लाइन से ही प्रिंट हो जाएगा, समझ आए? मतलब अगर आपको 1000 नंबर भी प्रिंट कराना है तो उस 1000 नंबर के लिए भी आपके यही चार लाइन लिखनी है। ये काम होता है आपके लूप का। लूप आपके समय को बचाता है, तब तक वो रिपीट करता रहता है, जैसा कि मैंने एक लाइन लिखा कि लूप आपके तब तक किसी चीज को रिपीट करता रहेगा जब तक उसकी दी गई कंडीशन मिल नहीं जाती। उसकी दी गई कंडीशन सेवन थी तो वो सेवन तक उसको प्रिंट करा के वहीं रुक जाएगा। अगर उसकी दी गई कंडीशन 1000 है तो वो 1000 टाइम उसको प्रिंट करा के रुक जाएगा। ये काम होता है लूप का। तो भैया लोग, हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ना समझ में आई हो तो
तो कल फिर से इसकी क्लास चलेगी, फिर से आप लोगों को इसका वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आज मैम जी का जो दांत है वो बहुत दर्द हो रहा है, तो अब क्लास को जो है वो यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कब, फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्षमा याचना है आप सभी लोगों से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच अपने इतने कीमती समय के लिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।